हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग जा रहे हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क घूमने। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये एक तरीके का ज़ू है और आज हम लोग ज़ू देखने जा रहे हैं। और यहाँ पे एलिफेंट है, लॉयन है, ये आज मज़ा आएगा ज़ू देख के। तो चलिए चलते हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क। और आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा जो था कि ये टावर से हैदराबाद, उसके बाद मैंने ऑनलाइन शॉपिंग और भी चीज़ों पर ब्लॉग बनाए हैं। आप देख रहे होंगे कि हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। एक्चुअली में अपने कन्वीन से जाना थोड़ा कन्वीनियंट रहता है कि जहाँ भी आपको रोकना है आप रुक जाइए, फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, और इसीलिए मैंने स्कूटी से जाना थोड़ा प्रेफर समझा। यहाँ पे क्या आप किसी भी सिटी में, जहाँ मेट्रो सिटीज़ में अगर आप बाइक, स्कूटी या कार रेंट पर लेना चाहें तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इसके लिए आपके लिए फिर एक नया ब्लॉग बनाऊंगी। तब तक के लिए चलते हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क, और आप देख सकते हैं ये इसका एंट्री है और ये गेट नंबर 1 है। यहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं है, पार्किंग जो होती है वो गेट नंबर 2 के सामने होती है। और ऐसा नहीं है कि ज़ू बहुत आउटर में बना हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैंगो मिल रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, और मैं अंदर आ गई हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर टिकट लेना होगा, तो चलिए टिकट लेते हैं। ये इसके टिकट रेट हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप वाटर बॉटल या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ऐसे ही अंदर नहीं ले जा सकते हैं, और अंदर ले जाने के लिए आपको 10 रुपये का एक स्टिकर परचेज़ करना होगा और उस स्टिकर को आपको बॉटल पे पेस्ट करना पड़ेगा। जब आप वापस आएँ तो वो स्टिकर आप यहाँ पे वापस कर सकते हैं और अपने पैसे भी वापस ले सकते हैं। चलिए अच्छा है ना, किसी वजह से कि अंदर लोग गंदगी नहीं करेंगे और अपने बॉटल को बाहर वापस लाएँगे और यहाँ पर ला के डिस्ट्रॉय करेंगे। ये यहाँ पर एंट्री है और यहाँ पर चेकिंग होने के बाद ही एंट्री हो रही है, जिस यहाँ पर चेकिंग भी हुई है और हमारे टिकट भी चेक हुए हैं। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे आपको एक गार्डन मिलेगा, और गार्डन में बहुत अच्छा सा एक फाउंटेन बना हुआ है। और ये यहाँ पे एक वॉल है जिसपे बहुत अच्छी सी ट्रेन बनाई हुई है और एनिमल्स बनाए हुए हैं। एक्चुअल में यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है, तो जिसको भी अगर पैदल नहीं घूमना है तो वो टॉय ट्रेन से भी घूम सकता है, लेकिन हमें तो पैदल ही चलना है। देखिए टॉय ट्रेन, पर ट्रेन का भी टिकट होता है और आपको ट्रेन में बैठने से पहले टिकट लेना पड़ेगा। जैसे ही एंट्रेंस में आप अंदर आएंगे तो ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि अंदर कौन कौन से एनिमल हैं। लिखा तो है बट अभी कितने मिलते हैं वो तो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। और सबसे पहले हमको मिले हैं वो हैं टॉर्टोइज, जो कि इस घर में रहते हैं। कितना प्यारा घर है ना। और ये देखिए सनबात ले रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, सबको विटामिन डी की ज़रूरत होती है तो ये भी ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग आए हैं स्क्वायरल जियांट। आप देख सकते हैं स्क्वायरल जियांट, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर डबल नेट लगा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है, आयरन नेट है। तो पास में करके दिखाने की कोशिश, देखिए कोशिश सफल हुई। और ये रहे छोटी सी जियांट स्क्वायरल, दोनों हैं इसमें भी है, देखिए ये बैठी है जियांट स्क्वायरल। एक्चुअल में ये छोटी वाली जो नेट है इसकी वजह से थोड़ा सा देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगी।
आपको पता है ये क्या है? ये है लॉइन, ब्लैक लॉइन। पहली बार देखा ना? मैंने भी पहली बार देखा है। और ये पता है कहाँ से मिलता है? ये मिलता है तमिलनाडु से। और ये वेजिटेरियन लॉइन है, जो कि फ्लावर और फ्रूट्स खाता है। और जो इसकी एज रहती है वो 20 से 25 ईयर्स तक ही रहती है। दूसरा लॉइन वो बैठा हुआ है पेड़ के पास, ब्लैक लॉइन। और ये है ऑस्ट्रिच, शायद इसको हिंदी में सुतुर्ग मुर्ग बोलते हैं। इसके पैर देखिए कितने लंबे लंबे हैं। और आप सब जानते हैं कि ये उड़ नहीं सकता, अगर उड़ सकता तो यहाँ से ये उड़ चुका होता अभी तक। और ये है ब्लैक स्वान, जो कि वो बैठा हुआ है दूर, देखिए। ये पता है बहुत प्यारा सा, जब बैठते हैं तो आपस में हार्ट बना लेते हैं। और आपने कई बार गूगल पे भी सर्च करके देखा होगा या किसी की डीपी वॉलपेपर पे देखा होगा। और ये बहुत प्यारा सा हार्ट शेप में बना के बैठते हैं, देखिए बैठा हुआ है ना। तो मैंने यहाँ पे इनकी बहुत सारी फोटोज़ ली हैं, ये बहुत क्यूट लग रहे हैं ना, लाइक अ लव बर्ड्स। और ये देखिए भेड़िया है, जो कि कुत्ते की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है बेचारा। जैसे कि वो भेड़िया अपने फिगर को बहुत लेके बहुत मेंटेन कर रहा है दौड़ लगा लगा के, ऐसे ही बेचारा ये दौड़ लगा लगा के भेड़िया से कुत्ते में कन्वर्ट हो गया है, बट ये भेड़िया ही है। तो आपको याद है, आपने अगर हॉलीवुड हॉरर मूवीज देखी होंगी वैम्पायर वाली, तो उसमें वो जो भेड़िया आता है ना, ये वही भेड़िया है कुत्ते जैसा। और यह है जंगली बिल्ली, वो आपने डॉन मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा ना, कि मुझे जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है। यही है वो जंगली बिल्ली, देखिए कैसे घूम रही है जंगली बिल्ली पेड़ के ऊपर, कितनी क्यूट लग रही है ना। और ये है हाइना, जो कि अपनी पूंछ को काटे जा रहा है, पता नहीं शायद इसको मच्छर काट रहे होंगे। अगर किसी के पास मच्छर अगरबत्ती है तो प्लीज इसको दे दो आके, वरना ये ऐसे ही अपनी पूंछ काटता रहेगा और गोल गोल घूमता रहेगा। देखिए ये मच्छर अगरबत्ती मांग रहा है, देख रहा है कि कौन लेके आ रहा है मेरे लिए। और ये है राइनो, जो कि बहुत बड़ा है। अपने यहाँ की 2 या 3 बफेलो को एक साइड खड़ा कर दो और राइनो को एक साइड खड़ा कर दो, ये इतना ही बड़ा है। अगर इसको गुस्सा आ जाएगा ना, तो ये बड़ी सी दीवार को भी अकेले तोड़ सकता है। देखिए क्या आराम से घूम रहा है। और ये देखिए शार में नहाने लगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है ना, तो ये वहां से चल के यहाँ पे नहाने आया है। और यहाँ पे देखिए शार है ना, देखिए अगर मस्ती से नहा रहा है खड़े होके, गर्मी लग रही होगी ना, इतना बड़ा तो है ये। क्या आराम से खड़े होके नहा रहा है, कोई साबुन तो दे आओ इसको भाई। और ये है किंग कॉन्ग, नकली है डोंट वरी, देखिए देखिए कितना तो बड़ा है ये किंग कॉन्ग। और ये है हाथी, हाथी मेरे साथी, देखिए ये कैसे घूम रहा है। सारे जानवर घूमते ही रहते हैं, थक जाते होंगे ना बेचारे एक ही जगह रहते रहते, जैसे कि हम लॉकडाउन में परेशान हो गए हैं घर में रहते रहते, वैसे ही इसीलिए हिलता रहता ही है ये। हाथी है जो कि हिल रहा है पिलर के पीछे छुप के, शायद यह हाइड एंड सीक खेल रहा होगा।
ये देखिए, टू टू एलिफेंट्स। बताए उसके पास ये कोई आदमी बैठा हुआ है, शायद वो उनका केयर टेकर होगा, तभी बैठा हुआ है ना, वरना तो कोई भी कैसे बैठ सकता है। हाथी के पास बैठा हुआ है, जी हाँ, हाथी के पास एक आदमी बैठा हुआ है, देखिए। और ये है दरियाई घोड़ा, घोड़ा वो वाला घोड़ा नहीं जो शादी में जिस पे दूल्हा बैठता है, ये है दरियाई घोड़ा। और ये बाहर नहीं आ रहा, मुझे इसको देखना था। और ये है लियोपार्ड, यहाँ पे टू टू लियोपार्ड हैं, देखिए एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब एक बैठा हुआ है और एक खड़ा हुआ है। देखिए लियोपार्ड कितनी लंबी पूंछ है ना, तो साइलेंट मोड पे खड़ा है, मतलब कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा। काय ये देखिए नीचे उतर के आ गया है, क्योंकि मैं आई हूँ ना मुझसे मिलने के लिए। देखो कैसे देख रहा है, घूम रहा है, अब दोनों आ गए, आराम से घूम रहे हैं। इवन यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं ना, तो ये उनके चक्कर में नीचे आ गया है, क्योंकि ये अपना लंच ढूंढ रहा है। ये देखिए लियोपार्ड, ओए ओए ये देखिए लियोपार्ड जा रहा है, ये ओए देखिए ये देखिए ये ओए, देखिए, चाचा देख चाचा सकते हैं ना आप, लियोपार्ड जा रहा है, ये देखिए चाचा कहाँ जा रहा है, किधर आओ, देखिए लाइन हो रहा है। मैं अभी बैक कैमरे से भी दिखा दूंगी, इधर उधर वो है ये खड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये है जंगल का शेर, आराम से टहलता हुआ आया और बैठ गया। सच में इसके बिना तो जू अधूरा ही रह जाता है ना। और ये है लूत्रा, इंडियन लूत्रा, देखिए पानी के अंदर है, कभी भी बाहर आ सकता है। वीडियो बना रहे हो ना, और ये देखिए पैरट कितने बड़े बड़े हैं, पेड़ों पे बैठे हुए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं, बैठ गया आराम से। और ये है बारहसिंगा, ये आगरा में जो सिकंदरा है वहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे हैं। और ये देखो आपस में खेल रहे हैं, तुम पकड़ो मैं भागूंगा। और ये है मगरमच्छ की दुनिया, सब ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कि ये नकली हैं, बट ये असली है, असली सब असली हैं। ये देखो इनका छोटा बेबी लेटा हुआ है,
इतना आराम से लेटे होते हैं ना, मतलब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी देखे, आराम से लेटे हुए हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं ये। ये देखो छोटा बेबी है। और ये है घड़ियाल। आपको पता है ये टावर में जो चंबल है वहाँ पे बरसात के मौसम में बहुत सारे होते हैं घड़ियाल। कैसे सो रहे हैं। और ये कोई पक्षी हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन से पक्षी हैं। और ये वाइट कलर के पक्षी हैं, छोटे बड़े, मुझे इनका नाम नहीं पता। और यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, अगर किसी को इसका नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे भी जानना है ये कौन से पक्षी हैं। और अब चलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर की तरफ। और देखिए ये रहा टाइगर, आराम से बैठा हुआ, लेकिन ये आज पता नहीं क्यों गुस्सा है, किसी की तरफ भी नहीं देख रहा है, क्योंकि ये थक जाते होंगे इंसानों की शक्ल देखते देखते। और ये है वाइट टाइगर, और बाय डिफॉल्ट ये भी हमारी तरफ नहीं देख रहा, असली है, नकली नहीं है, असली है। और ये है सबसे खूबसूरत, सबसे पीसफुल प्लेस नेहरू जूलॉजिकल का बटरफ्लाई पार्क। और ये बहुत ही खूबसूरत है, देखिए इसका एंट्रेंस भी कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और एक बात और, यहाँ से बटरफ्लाई बाहर नहीं जाती, सिर्फ इस पार्क के अंदर ही रहती हैं। और ये फाउंटेन जो कि मेन मेड है बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सीढ़ियाँ बटरफ्लाई पार्क की तरफ जाती हुई। और पता है फाउंटेन की वजह से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और ये बटरफ्लाई का पूरा लाइफ साइकिल। एक बात बहुत शॉकिंग है कि जितना एरिया बटरफ्लाई को दे रखा है, बटरफ्लाई उतने ही जगह में रहती है, यहाँ से बाहर नहीं जाती। उसका रीज़न है कि इनको जो भी चाहिए, जैसे लीव्स हैं और जो भी फ्लावर है, वो सब इनको यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए यहाँ से बाहर ही नहीं जाती हैं, यहीं पर रहती हैं। कहाँ पे है ये देखिए, येलो। देखिए यहाँ पे पपीते भी लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 पपीते हैं यहाँ पे, किसी को चाहिए तो आके लेके जाओ, बटरफ्लाई पार्क में है। देखिए बटरफ्लाई उड़ रही हैं, वो देखिए येलो येलो, यहाँ सारे कलर की बटरफ्लाई हैं, रेड येलो ब्लू वाइट पिंक, बहुत सारी बटरफ्लाई हैं यहाँ पे।
और ये है बबून जो कि हमारे पास अभी आया था और आके देख के चला गया है। जिधर साइड भी ह्यूमन जाते हैं उधर ही जाता है और देख के भाग जाता है। देखिए वो रहा बबून जो कि बंदर जैसा ही लगता है बट बंदर नहीं होता। थैंक यू विजिट अगेन। सच में आज रियली जू घूम के बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा सारा स्ट्रेस ख़त्म हो गया, सारी थकावट ख़त्म हो गई क्योंकि यहाँ पे एक बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। सच में बहुत अच्छा लगा। तो बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए प्लीज़ 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 मुझे दुआओं में याद रखें।